नागरिकता संशोधन कानून के अमल पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, केंद्र को ऑडियो विजुअल माध्यम से कानून के बारे में जागरूकता फैलाने पर विचार करने की सलाह, संवैधानिक चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र से 2 हफ्ते में मांगा जवाब। निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषियों की मौत की सजा बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की गुनहगार अक्षय की पुनर्विचार याचिका, दोषियों के डेथ वारंट की अपील पर पटियाला हाउस कोर्ट में 7 जनवरी तक टली सुनवाई। बजट पूर्व परामर्श के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बैठक, अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए केंद्र की ओर से उठाए गए कदमों पर चर्चा, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने के लिए दिए गए सुझाव। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए थमा प्रचार अभियान, आखिरी चरण के मतदान के लिए राजनीतिक दलों ने झोंकी ताकत, संथाल परगना डिवीजन की 16 सीटों के लिए शुक्रवार को डाले जाएंगे वोट। और साहित्य एकेडमी की 23 भाषाओं में सालाना पुरस्कार की घोषणा, हिंदी में नंदकिशोर आचार्य को उनकी कविता संग्रह के लिए दिया जाएगा सम्मान, कांग्रेस नेता शशि थरूर को अंग्रेजी भाषा में एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए मिलेगा पुरस्कार।